अक्षय कुमार भले ही इस समय अपनी फिल्म पैडमैन की रिलीज में जुटे हो, लेकिन उन्होंने अपनी अगली एक फिल्म की पृष्ठभूमि तैयार कर ली है। अक्षय कुमार लंबे समय से चाहते थे कि वे किसी हॉरर कॉमेडी विषय पर फिल्म बनाएं। उन्हें भूल भुलैया जैसी फिल्म की कहानी की तलाश थी। अक्षय ने बताया, मुझे हॉरर फिल्में पसंद है, मैं भूल भुलैया जैसी किसी कहानी की तलाश में हूँ। अक्षय की ये तलाश अब खत्म हो गई है। अक्षय ने साउथ इंडियन फिल्म कंचन 2 देखी, उन्हें ये बेहद पसंद आई। एक रिपोर्ट के अनुसार अब अक्षय इस फिल्म की रीमेक बनाना चाहते हैं। राघवा लॉरेंस निर्देशित ये फिल्म तमिल में है। राघवा लॉरेंस ने ही इसमें लीड रोल किया था। यदि अक्षय ये फिल्म करते हैं तो वे इसी रोल में दिखेंगे। इस फिल्म में तापसी पन्नू और नित्या मेनन लीड रोल में नजर आई थी। ये फिल्म अप्रैल 2015 में रिलीज हुई थी। अक्षय पहले अगले प्रोजेक्ट के रूप में टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार पर बन रही फिल्म मोगल करना चाहते थे, लेकिन बताया जा रहा है कि अब न सिर्फ उन्होंने इस फिल्म को बाय बाय कर दिया है, बल्कि साइनिंग अमाउंट भी लौटा दी है। फिलहाल अक्षय कुमार अपनी फिल्म पैडमैन के रिलीज में बिजी है, जो 9 फरवरी को रिलीज हो रही है। पहले यह फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन संजय लीला भंसाली की गुजारिश के बाद उन्होंने इसे 9 फरवरी को शिफ्ट कर दिया है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।